देखे दोस्तों, ए और बी, बी और सी, सी और ए किसी काम को 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग-अलग काम कितने दिन में करेंगे? तो देखो दोस्तों, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी काम को 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तो हमने पहले पार्ट में देखा था कि इन तीनों का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तीनों का एलसीएम लिया, 60 आ गया, और इसको इससे भाग करेंगे। 10 6 60, 12 5 60 और 20 3 60। तो हमको इनकी निकल जाएगा एक एक दिन का, 5 6 11 और 3 14। तो ये एक चीज़ देखो दोस्तों, यहाँ पर ये सब डबल है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हमने पहले पार्ट में देखा था ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। अब देखो दोस्तों, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि डबल है इसमें। देखो एक बार, बी बी सी सी, तो हम यहाँ से 2a+2b, क्योंकि दो बार b है, और 2c लिख सकते हैं। और यहाँ से भी हम दो कॉमन ले सकते हैं, तीनों में दो है, दो कॉमन लिया, a+b+c। और ये कितना निकला है? ये 40 निकला है। अब हमको सिंगल का चाहिए ए बी सी, क्योंकि हमसे पूछा गया कि ए कितना करता है, बी कितना काम करता है, सी कितने दिन में कर सकता है। तो हमको ये सिंगल चाहिए, तो हमको यहाँ से इसको नीचे 2 चला जाएगा, बराबर से इस तरफ जाएगा, तो 2 7 14। तो ए बी सी की जो वैल्यू है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 7। अब देखते हैं ऊपर वापस, ए बी सी कितना निकला है? 7। देखो दोस्तों, इसमें ए और बी दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। इसका मतलब जो सी है उसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि ए बी दोनों का 6 है, दोनों का काम 6 है, और कुल हमारा 7 निकला है। इसका मतलब जो एक एक बचा है उसकी वैल्यू, सी की वैल्यू 1। ठीक, अब देखें सी की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर देखें सी और ए की वैल्यू कितनी है? 3। तो सी तो इसमें निकल गया हमारा 1। इसका मतलब जो 2 बचा, 3 में से 1 चला गया सी, तो 2 बचा, तो 2 क्या है? ए। इसका मतलब ए की वैल्यू बराबर है 2। और कुल कितना निकला था? 7। और 7 में से 3 माइनस करते हैं तो 4 निकलता है, क्योंकि ए बी सी बी, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी है? 4। और तीनों 7 हो गए, 4 2 6 1 7। अब हमको क्या, इन तीनों कितने दिन में करते हैं? तो हम निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमारा कुल काम कितना आया था? 60। तो हम यहाँ से निकल जाएगा ये कि सी कितने दिन में करता है? 60, 60 दिन में। बी ए ए कितने दिन में करता है? 60 भाग में 2, मतलब 30 दिन में। और जो बी है वो 60 भाग में 4, क्योंकि यहां से 4 आ गया, 15 दिन में। ए बी सी कितना कितना करते हैं? एक काम करता है 30 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में, और 60 काम करता है, सी 60 दिन में काम को पूरा करता है। 9 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक महीने में 1280 रुपये कमाते हैं, तो 21 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक महीने में कितना कमाएंगे? देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये इस मेथड से निकलते हैं, MDH/W। अब ये MDH होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। M का मतलब काम करने वाला, काम करने वाला। देखो दोस्तों, ये काम करने वाला कोई भी हो सकता है, व्यक्ति मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, बच्चा हो सकता है, मजदूर हो सकता है। एम का मतलब आप मेल भी लगा सकते हो, आपको याद रह जाएगा। एम डी, डी का मतलब डे, दिन, कितने दिन लगे। और एच का मतलब हावर्स, मतलब घंटे, एम डी एच। और डब्ल्यू का मतलब वर्क। इस मेथड से ये क्वेश्चन निकाले जाते हैं। अब देखो दोस्तों, हम निकालते हैं ये क्वेश्चन। 9 व्यक्ति मतलब MDH 9 व्यक्ति प्रतिदिन कार्य करके, मतलब एक कार्य एक दिन। और H का मतलब हावर्स, 7 घंटे। जो स्टेटमेंट है क्या है? 9 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके MDH बटे कितना कमाते हैं? 1280। अब देखो MDH दोबारा, M 21 व्यक्ति मतलब M
गुना में डी, डी कितना है, दिन एक, 21 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, एम डी वन 6 घंटे कार्य करके हावर्स 6, और हमको कितना कमाएंगे वर्क 2, ये हमको निकालना है। अब देखो दोस्तों, हम इसको यहाँ पर पलटेंगे तो नीचे जाएगा, फिर काटेंगे इससे, इससे अच्छा हम यहीं पर इसको काट लेते हैं। 3 3 9, 3 7 21, 7 1 7, 7 1 7, ठीक, 3 1 3, 3 2 6, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे 1280 बराबर है 2, नीचे ये हमको निकालना है वर्क 2, कितना कमाते हैं। तो हम यहाँ से पलटेंगे तो नीचे गुना में जाएगा 1280 के बराबर के निशान से, तो 1280 हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं 2 से, 0 16 2 4 5 2 1 2, आपका आंसर आ गया है ये 2560 रुपये कमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, 19 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो 25 दिनों में 36 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, 20 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 38 दिन में कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे, वही MDH का मेथड है, MDH बटे वर्क, M कितना है 19, 4 घंटे, D कितना है 25 और 4 घंटे कार्य 36, सेकंड स्टेटमेंट 20, 20 व्यक्ति 38 दिन और 5 घंटे हमको निकालना है ये वर्क। वैसे ही काट देंगे दोस्तों, 19 1 19 19 2 38, 4 1 4, 4 5 20, 5 5 25, 25 1 25, ये कट जाएगा, यहाँ बचा 1/36 बराबर 2/, हमको ये निकालना है वर्क, इसको निकालना है, यहाँ से नीचे जाएगा तो गुना में चले जाएगा, 36 गुना में 2 बराबर है ये वर्क जो हमको निकालना है, 36 2 72, 72 मीटर आपका आंसर आ गया, कि ये यदि 20 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 38 दिन में 72 मीटर दीवार बना सकेंगे।